एवरीवन, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अमेजिंग होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है एंड इस फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या अनदर कंट्री से जो लोग यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कहीं फेसबुक पे आपने कहीं एड देख लिया है या फिर आपने कहीं से किसी ने बताया है तो उस तरीके से नंबर लेके आपने उनसे बात कर ली है, और आपके साथ क्या होता है कि आप उनकी बातों में आ जाते हो या कोई एजेंट को पकड़ लेते हो आप। अब ये बात बताओ कि आपके पास क्या प्रूफ है कि उसके पास काम है जेन्युइन या नहीं है, या फिर वो किस काम के लिए मुझे लेके जा रहा है उसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है। आप पैसे दे रहे हो तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले, जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब करना चाहते हो, किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो या एजेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो सबसे पहले अगर आप पैसे दे रहे हो तो प्लीज ऑनलाइन ट्रांसफर करें, या फिर बेस्ट ऑप्शन मैं यही कहूंगी कि बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर करें और उनसे एक रिसिप्ट बनवा के आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, या उनके ऑफिस जरूर जाके विजिट करें। ऑनलाइन सारे काम अच्छे नहीं होते, क्योंकि ऑनलाइन काम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा 99% ऑनलाइन काम में फ्रॉड होता है, और ये मोस्टली कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ हो रहा है वहां नहीं हो रहा, दुबई में भी होता है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ कम होता है, ऐसे एजेंट्स लोग बन के बैठे हैं कि वो बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। अब मैं स्टोरी बताने वाली हूँ इंडिया और दुबई की, क्योंकि मोस्टली ये स्टोरी मैंने बहुत ज्यादा सुनी है और लाइक रियलिटी भी मैंने देखी है, तो उनके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो दुबई का सीन है वो यहाँ पे ये होता है कि लाइक यहाँ पे दुबई में लोग आके बैठ जाते, कुछ लोग हैं जो अपनी ऑफिस करके बैठ जाते हैं, उनका टारगेट होता है कि हमने ये ऑफिस 1 मंथ के लिए ली है, 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर का। और सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, जो चलते फिरते वो एजेंट बने घूम रहे होते हैं कि लाइक हम एजेंट हैं और हमारा ऑफिस ये है, जैसे कि किसी और का ऑफिस है, वो जिस नाम से मतलब बोल के कि बिलीव हो जाए वैसा कुछ करके कि आप हमें 1000 दिरहम दे दो हम आपको इस जॉब में लगा देंगे, आप हमें 2000 दे दो, 3000 दे दो हम अच्छी पोजिशन में लगा देंगे, हम वहां लगा देंगे, हम आपको ये वीजा देंगे वो वीजा देंगे। तो ये दुबई में ऐसा बहुत कुछ होता है और ऑनलाइन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे ही फ्रॉड होते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ इनमें से फ्रॉड ही होते हैं। लाइक आप 100 में से 80% ऐसे मान लो कि फ्रॉड ही होते हैं। सबकी नीयत में पता नहीं क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि बैठे बैठे बस सबके पैसे छीन के और वो खा के पता नहीं क्या मतलब अमीर हो जाएगा, और वो सबके पैसे खा के जो अमीर हुआ है वो कहाँ जाके उसको बचेगा पता नहीं। देन सेकेंड क्या होता है कि इंडिया में लोग है ना अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, सेम स्टोरी है, सब जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इंडिया में लोग क्या करते हैं कि बंदे से पैसे लेते हैं कि आप हमें 1 लाख दे दो, आप हमें 2 लाख दे दो, और दुबई के वीजा के लिए नहीं, अदर कंट्रीज के वीजा के लिए भी बहुत सारे पैसे लेते हैं। ऐसे केस मेरे साथ बहुत आए हुए थे, लाइक ऐसे केस मेरे पास बहुत आए थे जिस टाइम मैं काम कर रही थी इस वीजा के रिलेटेड एक ऑफिस में, तो वहां पे भी ऐसे केस बहुत आए थे। लाइक वो लोग क्या बोलते कि सर और मैम हमने लाइक उनको 1 लाख रुपीज दिया है, 2 लाख रुपीज दे दिए हमने उनको, 3 लाख रुपीज दे दिया है, एंड उन्होंने क्या किया है कि 2 मंथ और 3 मंथ का विजिट वीजा देके हमें दुबई भेज दिया है। वो क्या करते हैं कि 2 मंथ और 3 मंथ का विजिट वीजा देते हैं, या कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो ओनली 1 मंथ का विजिट वीजा देके उनको बोलते हैं कि आप वहां जाओ, वहां आपको ये बंदा लेने आएगा, यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, रूम मिलेगा, आपको ये जॉब मिलेगी, इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, और यहाँ आके ऐसा पता चलता है कि आपको मतलब सीधा आपके घर से नरक में फेंक दिया गया, ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि खाने का आपको पता नहीं है, रहने का आपका पता नहीं है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आप उनको एयरपोर्ट पे भी लेने कोई नहीं आता, वो एयरपोर्ट पे भी अपनी मतलब सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब हम जाए कहाँ, क्योंकि न्यू लोग हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता है, और कुछ लोगों के रिलेटिव यहाँ रहते हैं तो वो उनके पास जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि हाँ मतलब अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तो हमारे पास है। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, अब वो इंडिया वापस कैसे जाए, उनको टिकट नहीं है, फाइनली फिर वो कैसे मर तड़के अपना टिकट खुद करवाते हैं, फिर वहां से इंडिया वापस जाते हैं। और जिन लोगों को अकोमोडेशन दी जाती है वहां पे खाने का कोई अता पता नहीं है, और रहने का वो मतलब होश नहीं है कि कहाँ क्या रहना है, इतना गंदा वगैरह सब बहुत ही मतलब गंदगी मचाई हुई रहती है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जितने पैसे लिए वैसी फैसिलिटी दे रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता। पैसे ले लिए, उनकी कहानी खत्म हो गई, अब हमें इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो वैसी स्टोरियां बहुत होती है यहाँ पे। लोगों को मैंने यहाँ पे बेंच पे सोते हुए देखे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है।
उनके पैसे लेके पहले और उनको यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ पे इनका कोई खाने का रहने का कोई अता पता नहीं होता है। वो यहाँ पे मांग कर खाना इलीगल है, लेकिन फिर भी वो चोरी छुपे मांगते हैं, खाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, कैसे जैसे करके इंडिया चले जाते हैं। लेकिन ये वाला, आपके पैसे भी गए, आपको जॉब भी नहीं मिली और आप कितने जलील हो रहे हो, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। और मोस्ट ऑफ थिंग मैं ये बताती हूँ कि उन लोगों से सतर्क रहना, पहले टिकट आते ही देख लेना, क्योंकि मोस्टली वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि दुबई में, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने जिक्र किया था कि दुबई में 7 स्टेट्स है। अभी दुबई है जो मेनलैंड है, आबू धाबी भी ओके है, अजमान शारजा, ये 4 स्टेट ओके। बट इन 4 स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर कौन से स्टेट है, रासल खेमा और फुजेरा, उमर अलक्वीन, ये सब बहुत दूर दूर के स्टेट। और यहाँ पे उन डायरेक्ट जो इम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आते हैं ना, उनके लिए बेस्ट है, उनको कोई टेंशन नहीं है। इम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल गया देन ओके, उनके बाद में आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे मोस्टली कंपनीज डायरेक्ट लेबर्स को वहीं बुलाती है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होती है, जिनको मतलब विजिट वीज़ा दे दिया और इन स्टेट में उनको ले जाके छोड़ दिया। अब वो तो ना दुबई आ सकते हैं, ना दुबई में कोई काम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे तो उनको वैसे भी नहीं पता, किसी भी स्टेट में लाके उनको छोड़ दिया, उनको इतना पता होता है कि हम दुबई में हैं, बस बात खत्म। उनको ये नहीं पता कि कौन से स्टेट में है, कहाँ है, क्या है, कैसे हम हेल्प मांगे, किसी से क्या करें। तो उनके लिए ये वीडियो है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। सो प्लीज सतर्क रहे इन चीज़ों से, फ्रॉड होने से बचे। अगर आप सतर्क रहोगे तो ही आप फ्रॉड से बच सकते हो, रेदर देन कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।